अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाही वारंग और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नोमा। आज हम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज शाहीवाल में आए हैं। आज गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। आज हम बहुत से साथ कराम और स्टूडेंट से मिलेंगे तो वो स्पोर्ट्स डे के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। आइए मिलते हैं और देखते हैं वो स्पोर्ट्स डे के हवाले से हमें क्या कहते हैं। मुकाबले का आगाज हुआ और ये साफ और जमाने का बयान और ये छोटी छोटी चाटियां कुजियां लग रही हैं, इनको जनाब देखें किस जोरदार तरीके से इन पे संग भारी है। जोशो जज्बे के साथ मेहमान टीम जो है चाटियों को निशाना बना रही है। फोटोग्राफी भी साथ साथ है। एक चाटी ढीठ चाटी अभी भी कायम है, वो अभी किसी का निशाना नहीं बन सकी। लीजिए आखिर कब तक सामना करती निशाने कहीं कोई भी लीजिए। एक चाटी टूट गई, दूसरी और तीसरी और चौथी चाटी भी ढेर। और ये सारी चाटियां माशाल्लाह बड़ी विद इन फ्यू मिनट हमारी मेजबान टीम। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें ये बहुत अच्छा इकदाम किया गया है कॉलेज की जानिब से। हमें स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए, मोबाइल्स लैपटॉप्स वगैरह को छोड़कर हमें ग्राउंड्स की तरफ आना चाहिए। जैसा कि वो इंग्लिश का मुहावरा है, साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड, तो इसी तरह हमें किताबों से वगैरह से निकल कर इन सरगर्मियों से जाकर खेलों की सरगर्मियों की तरफ आना चाहिए। भाई जान, जैसे कि आप देख रहे हैं कल हमारे कॉलेज के मुकाबले थे, उनमें जो लड़के फर्स्ट या सेकंड थर्ड है उनको आज इनाम मिलेगा और वो बहुत खुश है। हमारे कॉलेज के लड़के भी बहुत खुश हैं, उन्होंने हिस्सा लिया कॉलेज में। और ये आप देख रहे हैं कॉलेज बहुत रौनक है, वहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब। स्पोर्ट्स जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले जो है ना हर साल जब होते हैं तो ये 76वां जो है ना सालाना जो है ना स्पोर्ट्स डे जो वो मनकर जब वो हुआ तो उसमें नौजवानों को जो है ना शामिल जो वो किया जाता है। तो वो नौजवान जो क्लासरूम में इलम हासिल करते हैं तो फिर ये है कि वो ग्राउंड में आकर जो है ना अपने कमाला जो वो दिखाते हैं। अच्छा, तो आप सबकी फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सी हैं? माय फेवरेट गेम इज क्रिकेट। क्रिकेट, तो आपकी? बैडमिंटन। ये क्यों पसंद है आपको बैडमिंटन? मजा आता है खेलने। मजा कैसे आता है? आप खेलते हो? आज हमने स्पोर्ट्स गाला के हवाले से काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे, तो इंशाल्लाह मैं अगले शो में लौटूंगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।